हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों को वेलकम बैक टू माय चैनल गेमर जीनी। सो गाइज आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक रैंक मैच में और मैप यहाँ पे आ चुका है कालाहारी का। एंड एज़ यूजुअल मैं खेल रही हूँ रैंडम बंदों के साथ, बट मैं उन लोगों के साथ नहीं उतरी एंड हीरोगिरी दिखाने के लिए मैं अकेली उतर चुकी हूँ रिफाइनरी में। एंड यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिख गया था जिसको मैंने M10 से नॉक करके किल फिनिश भी कर दिया है। तो अभी देखते हैं गाइज और भी बंदे यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि रिफाइनरी में ज़्यादातर बंदे उतरते हैं स्क्वाड लेके। एंड मैंने सोचा कि आज स्क्वाड रहते हुए भी सोलो वर्सेस स्क्वाड करने की कोशिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे और भी बंदे हैं गाइज एंड इसी के साथ मुझे M82 भी मिल चुका है, बट आई डोंट थिंक मैं M82 भी चलाऊँगी क्योंकि अभी तक मेरा स्नाइपर में हाथ सेट नहीं हुआ है, तो रिस्क नहीं लेंगे हम लोग बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑग क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चलता है, मेरे पास काफ़ी अच्छा स्किन है डबल रेट ऑफ फायर वाला CR7 के इवेंट पे जो मिला था। सो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है गन का। एंड अभी बस हम लोग को बंदे ढूंढने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे मैंने M10 फेक के लिए लिया है UMP क्योंकि UMP भी मेरे पास है डबल रेट ऑफ फायर वाला स्किन, सो इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सामने बंदा है जिसको मैंने दे दिया है काफ़ी ज़्यादा डैमेज, तो जल्दी से इस पर रश करते हैं और इसको मार देते हैं। ओके गाइस यहाँ पे और एक बंदी आ चुके, ओ भाई साहब कितना डैमेज दे दिया भाई, 7 HP की हूँ मैं बस। ओके गाइस मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से नॉक करके किल फिनिश कर दिया है। जल्दी से हील कर लेते हैं, कोई दूसरा बंदा आके मुझे मार ना जाए क्योंकि यहाँ पे और भी बंदे थे एंड इस बंदी ने तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया था, कुछ अच्छा ही गन था इस पर शायद। सो इसी के साथ आई गेस मेरा एक टीममेट इस साइड आ रहा है, आ जाए तो अच्छा होगा गाइस, कवर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे शायद और भी बंदे हैं। ओके गाइस यहाँ पे एक बंदी रिवाइव देने की कोशिश कर रही थी एंड इसने शायद रिवाइव दे दिया है, तो मैं इसको मार के अपने एक टीममेट को एटलीस्ट रिवाइव कर देती हूँ। एंड और भी बंदे हो सकते हैं गाइस क्योंकि मुझे फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं, तो थोड़ा कवर लेके बैठ जाते हैं गाइस, बंदे आते ही मारने लगेंगे गाइस। ओके यहाँ पे एक बंदी आ चुकी है गाइस शॉप वाले जगह पे, ओ भाई दो बंदी, वो भी सेम ड्रेस वाले को मैंने नॉक कर दिया है। अब दूसरे को जल्दी से मार देते गाइस क्योंकि HP बहुत कम है मेरे पास। ओके किल फिनिश कर दिया है मैंने, जल्दी से गाइस हील कर लेती हूँ वरना बंदी ने अगर रश कर दिया तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। आई गेस यही लास्ट बंदी है इन लोगों के टीम की। ओके यहाँ पे घूम के आ गई भाई भाई भाई। ओके गाइस मेरा टीममेट भी आ गया है, सही है, चलो इसको मारने की कोशिश करते हैं। ओह नो गाइस मेरे टीममेट ने किल ले लिया वरना मैं खुद ही किल फिनिश कर देती पूरे स्क्वाड को। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कवर देने तो आया था ये। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। एंड यहाँ पे मैं जा रही थी कमांड पोस्ट में, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख गया जिसको मैंने नॉक कर दिया है, तो जल्दी से इसको किल करके फिनिश कर देते। दूसरे बंदे को भी मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया है, जल्दी से रश करते गाइस कहीं ये लोग रिवाइव ना हो जाए या फिर कोई दूसरा बंदा आके थर्ड पार्टी करके मेरा किल भी चुरा सकता है, तो जल्दी से चलते हैं। मेरे टीममेट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरा हेडशॉट वाला किल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, शायद किसी ने ले लिया होगा किल। एंड यहाँ पे पता नहीं भाई कितने बंदे हैं या कितने स्क्वाड है क्योंकि इस जगह पे तो ज़्यादातर टाइम फाइट होता ही रहता है। दुकान वाले घर में तो भाई बंदे दिखेंगे ही दिखेंगे हमेशा। अच्छा तो चलते हैं गाइस आगे एंड देखते हैं क्या हमें कुछ और किल्स मिल पाते हैं या नहीं। अभी तक तो मेरे 5 किल्स हो गए हैं। एंड यहाँ पे ओके गाइस और एक बंदा दौड़ रहा है, चलो भाई इसको मारते हैं, पीछे से भी डैमेज दे रहा है कोई मुझे, पहले इसको मार देते हैं, पीछे वाले को बाद में देखेंगे, इसको किल फिनिश करना ज़रूरी है। इसने अपने टीममेट को रिवाइव भी दे दिया है तो एटलीस्ट इसको ख़त्म कर देते हैं। भाई बंदा निकल रहा है, चलो भाई M18 है मेरे पे, इसको तो मारना ही पड़ेगा गाइस क्योंकि मेरे टीममेट्स बाहर फाइट ले रहे हैं, तो मैंने इसको नॉक कर दिया है एंड जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। सो यहाँ पे इसको लूट करके मैं ले लेती हूँ MAC 7 M18 को फेंक के क्योंकि मेरे पास MAC का अच्छा स्किन है। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा गाइस क्योंकि इसके बंदे यहाँ पे बदला लेने के लिए उतर सकते हैं। एंड यहाँ पे और एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया है, क्या पता इसी का बंदा था या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो गया है, तो सबसे पहले इसको रिवाइव कर देते हैं एंड साइड से टोकन्स ले लेते हैं ताकि बाद में रिवाइव करने में आसानी रहे। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था हिट लिस्ट एंड मैप में बंदा दिख रहा है हिट लिस्ट वाला, तो हम उसके पास आ गए हैं। जल्दी से इसको मारते हैं क्योंकि हमें पता नहीं इसके टीममेट्स यहाँ पे है भी या नहीं, अगर इसके टीममेट्स ना रहे तो अच्छा होगा, यहाँ पे तो एक ही बंदा दिख रहा है, तो इसको जल्दी से मार देते हैं इसके टीममेट्स आने से पहले। यहाँ पे मैंने आइरिस लगा के बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है, मेरे टीममेट्स भी यहाँ पे आ गए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसके, अगर दूसरे बंदे भी आ जाए तो हम लोग आसानी से मार सकते हैं।
बट गाइस कुछ देर बाद उसके बंदे ने आके मुझे मार दिया था। बट मेरे टीममेट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे कि उन लोगों ने मुझे फिर से रिवाइव कर दिया है। एंड इस बार मैं उतरी हूँ सब में। ओ भाई मेरे सामने और एक बंदा, इसको पता ही नहीं भाई मैं इसके पीछे उतर गई हूँ। कुछ कर भी नहीं रहा है, डैमेज भी नहीं रहा इसने। क्या ही गजब बंदा है, पता नहीं क्या खरीदारी कर रहा था दुकान से, जो उसको पता तक नहीं चला कि उसके पीछे कोई आके उसको मार के चला गया। ओके गाइज यहाँ पे जोन आ रहा है एंड नीचे और एक बंदा है, इसको मैंने नॉक कर दिया है। एंड इसके टीममेट्स भी यहाँ पे है, तो मेरा निकलना यहाँ से मुश्किल है। मेरे एक टीममेट को एक बंदे ने नॉक कर दिया है। मेरे हो चुके हैं 10 kills, बट पता नहीं जोन में जा पाऊँगी भी या नहीं। मेरे तो सारे टीममेट्स टपक गए भाई, मैं अब अकेली बची हूँ। क्या पता गाइज इसको बूया करना पॉसिबल है भी या नहीं, मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो अभी भी 11 बंदे बचे हैं एंड मेरे पास टोकन तक नहीं है जो मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव करूँगी। पता नहीं गाइज लग रहा है मुझे 1v4 ही खेलना पड़ेगा। यहाँ पे एक बंदा तो मेरे सामने था, ये आ भी नहीं रहा है। इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा वरना जोन में जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो मैंने यहाँ पे 200 टोकन कलेक्ट कर लिया है। नीचे है एक दुकान, तो गाइज कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे जाके एटलीस्ट एक टीममेट को रिवाइव कर दूँ, ताकि एक श्योरिटी रहे कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो दूसरा टीममेट मैच बचा सकता है। पीछे वाला बंदा अभी भी वहीं पे बैठ के फाइट ले रहा है, तो उसका ध्यान रख के मुझे जोन में जाना पड़ेगा, कहीं वो पीछे से ना मारने लग जाए। सो मैंने एक टीममेट को सक्सेसफुली रिवाइव दे दिया है। आई होप ये बंदा अच्छे से खेले इस मैच को, मुझे थोड़ा कवर दे और इस मैच को बुआ करने में मदद करे। नहीं। ओ भाई बंदा कहाँ जा रहा है भाई, जोन के बाहर क्यों जा रहा है ये बंदा। ओके गाइस पीछे मुझे बंदे दिख रहे हैं, एक बंदा पहाड़ी के बीच में खड़ा है, पता नहीं अटक गया शायद, एक को मैंने ख़त्म कर दिया है। और एक बंदा यहाँ पे दुकान के साइड जा रहा है, पता नहीं रिवाइव दे पाएगा या नहीं। ओके गाइस इसको भी मैंने नॉक कर दिया है एंड फिनिश भी कर दिया है। एंड इसी के साथ मेरे हो चुके हैं 12 kills। मेरा टीममेट जोन में क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो चलती हूँ आगे, क्योंकि बाद में जोन में जाना मुश्किल हो जाएगा। ये वाला जोन तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। अभी भी और 3 बंदे बचे हैं गाइस, तो थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। बुया मिस होने नहीं दे सकते बिल्कुल भी। मुझे वहाँ पे वॉल दिख रहा है, तो बंदा वहाँ पे होने का बहुत ज़्यादा चांस है। मेरा टीममेट भाई देखो जोन के बाहर लूट कर रहा है, ये नहीं बच पाएगा भाई, बेकार में मैंने इसको रिवाइव दिया। शायद किसी और को दे देती तो मैच बच जाता। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पता नहीं गाइस क्यों मैंने इसको रिवाइव दिया। फिर से मेरा वही सोलो वर्सेस स्क्वाड वाला सिचुएशन हो चुका है एंड अभी 1v4 का सिचुएशन है। मैं कोशिश करूंगी कि इस मैच को बुआ कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्स हुआ है। एंड इसी के साथ एक बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है। आइरिस लगा के इसको और डैमेज देने की कोशिश करेंगे। ओके उसका वाल भी मैंने उड़ा दिया। ओ भाई दूसरा बंदा इसका मुझे साइड से मार रहा है, राइट साइड से। तो पहले ये नीचे वाले बंदे को ख़त्म करना पड़ेगा। एक बंदा तो एलिमिनेट हो गया, चलो सही है। अब बस किसी भी हाल में मुझे 1v2 निकालना है। मेरे पास काफ़ी अच्छा गन है, M14-3 एंड UMP। सो वाल लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले नीचे वाले को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी परेशान कर रहा है। ओके गाइस इसको मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया है, इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं ताकि दूसरा बंदा रिवाइव ना कर पाए। एंड अभी 1v1 का सिचुएशन है एंड मुझे जाना पड़ेगा जोन में, उस बंदे को भी नीचे उतरना पड़ेगा, तो हम दोनों में से किसी के पास भी एडवांटेज नहीं है। सो कोशिश करते हैं। ओके बंदा नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है एंड इसी के साथ मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया। अब तो रश करना ही पड़ेगा गाइस, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है उस पर, हील करने से पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके बंदा नीचे उतर रहा है, इसको मैंने एक हेडशॉट मार दिया है। चलो गाइज जल्दी से जाते हैं, उसको अभी एक भी मौका नहीं देने वाले हम लोग। गाइज अभी मेरा आइरिस भी रिचार्ज होने वाला है, जैसे ही रिचार्ज होता है मैं उसको मारने लग जाऊंगी। एंड चलो गाइज मैंने फिर से हेडशॉट मार के इसको नॉक कर दिया है। शायद इसके पास हॉरिजन लाइन है बट ये बच नहीं पाएगा एंड मैंने इसको कर दिया है ख़त्म। इसी के साथ गाइज 14 kills के साथ हो चुका है हमारा बहुत ही OP बुआ। आप लोग फेवरेट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।